अपनी पारिवारिक समस्या से परेशान एक महिला आत्महत्या के इरादे से घर से निकली और भटकते हुए भागलपुर जा पहुंची। बताया जा रहा है कि अररिया जिला के भरगामा की रहने वाली आशा कार्यकर्ता पूनम देवी अपने घर से निकलकर सुबह 11 बजे भागलपुर के समाहरणालय गेट पर पहुंची और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां मौजूद पत्रकारों की नजर महिला पर पड़ी तो कलम के सिपाहियों ने सुध ली। सबसे पहले होश में लाया और उसके बाद उसे खाना खिलाया। इस दौरान महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो टीवी अंग प्रदेश की टीम ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह को इसकी सूचना दी। जैसे ही जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह को घटना के बारे में जानकारी मिली, तुरंत ही समाहरणालय गेट पर पहुंचे और महिला को लेकर स्वयं क्लिनिक ले गए। पत्रकारों ने घटना की सूचना महिला के परिजनों को दी। इसके बाद अररिया से महिला के पिता, भाई, छोटा बेटा और बेटी पहुंची। जब परिवार के लोग पहुंचे तो महिला ने भागने की कोशिश की और यह कहने लगी कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है। जब महिला के पिता ने काफी समझाया तब जाकर महिला साथ जाने को राजी हुई। यह बात सामने आ रही है कि महिला का जेवर उसके ससुर ने अपने पास रख लिया है और जमीन का भी बंटवारा नहीं किया गया है, जिस कारण वो परेशान थी। महिला के छोटे पुत्र ने कहा कि दादा जमीन का हिस्सा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और बड़े भाई पिता दादा का ही समर्थन करते हैं। महिला के बड़े बेटे ने डॉक्टर अजय सिंह से फोन पर संपर्क किया तो महिला के बेटे ने कहा कि अब ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और माँ को जो भी इच्छा होगी हमारा समर्थन उसी बात पर होगा। अब हमारी तरफ से माँ के द्वारा किसी भी तरह की कोई शिकायत किसी को सुनने नहीं मिलेगी। महिला की बेटी जीविका में काम करती है। महिला के परिजन जब डॉक्टर अजय सिंह के यहाँ पहुँचे तो पूनम देवी को देख काफी खुश हुए और पत्रकारों तथा डॉक्टर के काम की जमकर सराहना की। इसके बाद जाते जाते महिला की पुत्री मीनू प्रिया ने टीवी अंग प्रदेश को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि टीवी अंग प्रदेश सिर्फ खबर ही नहीं सामाजिक सरोकार का भी ख्याल रखता है। डॉक्टर साहब से यही बोलेंगे, हम तो वहाँ घर से निकले कुछ सोच के हम चले जाते हैं, गंगा जी में डूब जाएंगे। एक आदमी मिला वहाँ, बोला कि आप चले जाइए वृद्धाश्रम। वो हमको एक ठो नंबर दिया, ऑफिस भेजवा दिया। ऑफिस में 2 घंटा रख के बोला नहीं जाइए SDO ऑफिस, यहाँ नहीं है। जैसे निकले गेट पर हम सोचे कि अब जा रहे हैं गंगा लाभ हो जाएंगे, तो वहाँ ही मीडिया सब जो है मिला हमको, वहाँ बैठाया, क्या बात है माता जी बोलिए। हम बोले कि ऐसा ऐसा मामला है, घर में भी नहीं सुन रहा है, बेटा को कहते हैं और बेटी सबको कहते हैं हिसाब अखरा के बारे में, कब तक हम खिला पाएंगे, अब मेरा खिलाने का उम्र नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए हम आक्रोश से निकल गए। एक आज 6 महीना से बोल रहे हैं बेटा को जाइए, दादाजी से जमीन मांगिए और मेरा जेवर है मांगिए। हाँ तब वहाँ जो गए तभी से हमको उठाया, थोड़ा पानी दिया, नाश्ता लाके दिया, चाय दिया, तब डॉक्टर साहब को फोन किया अजय सर को, यहाँ से सर अपने से गया, तब गाड़ी पे बैठा के हमको यहाँ अपने क्लिनिक पर लाया, खाना उना खिलाया। तब मेरा घर पे हमको पता नहीं है, मेरा घर पे सर ही फोन कर दिया, फोन करके तब वहाँ से मेरा बेटा को बेटी को बुलाया और पापा आया भाई आया लेने जी। नहीं अब सर भेज रहा है घर, वहाँ बेटा से फोन बात किया। आज एक महिला के लिए हमें फोन आया कि DM ऑफिस के पास एक महिला है जो बेहोश हो रही है और वो अररिया से डूबने के लिए आई है, गंगा में आत्महत्या करने की नियत से आई। उन्हें बुलाया गया क्योंकि हमारे संस्था डूबने से भी बचाती है और दुर्घटना में भी लोगों को मदद करती है। हम गए वहाँ पर बात को समझा तो प्रायः जो आत्महत्या का कारण होता है वह होता है कि प्रताड़ना, घर में कोई औरत को या बूढ़े औरत को या बूढ़े मर्द को, घर के बेटा पुतोहू वगैरह ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, उनके बात नहीं मानते हैं। लेकिन यह मामला पूरी दूसरी तरह का था, यह था कि इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था अपने परिवार से, अपने गोतिया से जो इनको मिलना चाहिए, और ये महिला घर की हेड हैं और इनको सारे अपने 2 बेटी का बेटा का ये सब फिक्र है कि इसको कैसे पढ़ाएंगे और कैसे इनकी शादी करेंगे। तो इनको नहीं मिलने से लगातार बात कर रही थी लेकिन इनको बेटा लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और गांव के लोग भी सपोर्ट ठीक से नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ये इनका मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ और ये सोचेंगे कि हम जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे परिवार का भला तो हम रह के क्या करेंगे, और ये डूबने की नीयत से आई तो हम अपने
क्लिनिक में घर में लाए और इनको हमने बैठाया और इस बीच फोन गया उनको परिवार को, लेकिन परिवार के लोग त्वरित गति से जैसे ही पता चला वो लोग आए, जबकि दो दिन से लापता थी। तो अभी बात हुई और उनके बेटे सबसे भी बात हुई, सभी लोग सौहार्द वातावरण में इनको ले जा रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि जो भी मामला है परिवार का उसको सुलझा लिया जाएगा और फिर ऐसी गलती जो हम लोग किए थे वो नहीं करेंगे।